स्टूडेंट्स, वेलकम टू शंभु स्टडी जोन। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। जिन बच्चों ने एक्सपोनेंट के बारे में नहीं पढ़ा है वो हमारे स्क्रीन के ऊपर आई बटन को क्लिक करके हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं और एक्सपोनेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। 5 लॉज हैं, चलिए चलते हैं हमारे पहले लॉ पे। ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। बेटा यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, जब आपकी बेस सेम रहेगी, आपको पता ही है बेस किसे कहते हैं, जब आपकी बेस सेम रहेगी और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इनकी पावर क्या होगी, आपस में ऐड हो जाएगी। बच्चों क्या हो जाएगी, ऐड। एकदम याद रखिएगा दिमाग में, जब मल्टीप्लाई हो रहा है और उनकी बेस सेम है तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए पे आपको इसी पे एक एग्जांपल सॉल्व कराते हैं। बच्चों एग्जांपल को देखिए, ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं हम। 6 to the power 7 इंटू 6 to the power -4। ठीक है बच्चों, अब आपको पर देख रहे हैं आपकी बेस सेम है, 6 और पावर क्या है, एक में 7 है एक में -4 है। आपको पता है इस लॉ के अनुसार क्या होता है, पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो 7 + -4, वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, 6 to the power 7 में से 4 चलेगा कितने पे बेटा, लिखिए 3। कितना हो गया बेटा, 6 to the power 3। अब इसको 3 को आप 3 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 × 6 × 6 क्या आएगा, 216। समझ में आ गया होगा बच्चों, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले लॉ की तरफ। बेटा हमारा अगला लॉ है, इफ़ ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर एन। ठीक है बच्चों, जब हम डिवाइड कर रहे होंगे और बेस हमारा सेम होगा तो पावर क्या होगी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ना, इफ़ एम इज ग्रेटर देन एन। ठीक है बच्चों, चलिए आपको इसका एक एग्जाम्पल कराते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल 11 to the power 6 डिवाइडेड बाय 11 to the power 4। बताइए बच्चों क्या होगा। अब आपको पता है कि बेस सेम है और जब डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो 11 to the power 6 - 4 कितना आएगा बच्चों, 11 की पावर कितनी आ जाएगी आपकी, 2, 11 to the power 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ गया। आप चाहें तो इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं 11 × 11 करके। ठीक है, बात समझ में आई, जब आपका मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी और जब डिवाइड होगा तो आपकी पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। चलिए अब अगले नियम की तरफ पढ़ते हैं। अगला नियम हमारा है बेटा, इस लॉ में आप देख रहे होंगे कि आप ए टू दी पावर एम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, ए टू दी पावर एम और उसके बाद फिर से पावर लगी है एन। इसमें बेटा क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है ए टू दी पावर एम एन, दोनों पावर का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने लिखा बेटा 3 to the power 2 ब्रैकेट के बाहर फिर 2। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 2 = 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 to the power 4। ठीक है बच्चों, इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, 3 कितने टाइम्स लिखेंगे आप, 4 times, 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, समझ में आ गया, ये था इसका तीसरा नियम। चलिए हम चलते हैं चौथे नियम की तरफ। बेटा हमारा फोर्थ लॉ है, ए इंटू बी ब्रैकेट के अंदर लिखा है ए बी टू दी पावर एन। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, एन जो है वो ए की भी पावर ग्रुप में कार्य करेगा और बी के भी पावर ग्रुप में कार्य करेगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए टू दी पावर एन इंटू बी टू दी पावर एन। ठीक है बच्चों, चलिए इसके एक एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे बच्चों ने लिखा 2 × 3 ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट लगा दीजिए कि पावर लिखा हमने 2। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 to the power 2 × 3 to the power 2। समझ में आया बच्चों, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 × 2 = 2 times, 3
कितनी टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा बच्चों। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सबको पता ही है, समझ में आ गया होगा नियम, ये बहुत आसान है। चलिए हम चलते हैं अपने लास्ट नियम की तरफ, 5th नियम की तरफ। वो क्या है, वो भी बहुत ईजी है। चलिए, जैसे बच्चों अभी हमने 4th रूल पढ़ा था, उसमें और इसमें डिफरेंस केवल इतना है कि उसमें मल्टीप्लाई था और इसमें क्या है बेटा, हमारा डिवीज़न है, a अपॉन b की पावर n दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a की पावर n और b टू दी पावर n। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसका भी एग्जांपल बता देते हैं आपको। सपोज बेटा क्वेश्चन है 3/7 स्मॉल ब्रैकेट की पावर 2। ठीक है बच्चों, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3^2 / 7^2। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3^3 = 9, 7^7 = 49। ठीक है, बस समझ में आई बच्चों। इन 5 नियमों को हमको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 3^7 × 3^-5। ठीक है बच्चों, जो आपने पहला रूल पढ़ा था, पहला लॉ पढ़ा था, जब मल्टीप्लाई है और बेस सेम है तो पावर क्या होगी, आपस में ऐड हो जाएगी। तो चलिए करते हैं, 3^7 + -5। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3^7 - 5 का कितना बचा है, 2। 3^2 3 × 3 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9। समझ में आ गया होगा। ऐसे आप हर लॉस को, हर नियम को आपको किसी न किसी क्वेश्चन में उसको लगाने में ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन बेटा आपको होमवर्क देते हैं, इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमारे टाइप करिए विद नेम, ताकि आपका नाम हम अगली वीडियो में ले सकें। ठीक है बच्चों, चलिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करना ना भूलें और शेयर करें, ताकि सभी बच्चे घर पर रह के पढ़ सकें। और अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद, टेक केयर।